हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। आज के इस वीडियो में खास क्या है, आइए दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले तो ये हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। ये टैली की मेन मेन्यू है, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पर हमको न्यू कंपनी बनानी है, तो न्यू कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पर जैसे टैली ईआरपी 9 में क्या था कि अल्ट के साथ आपको F3 प्रेस करना होता था, तब आप न्यू कंपनी के लिए बनाने के लिए जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। लेकिन यहाँ पर केवल F3 प्रेस करना है और सीधा आ जाना है क्रिएट कंपनी पर। तो ये क्रिएट कंपनी दिख रही है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक फॉर्म खुलता है। अब ये फॉर्म बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव होता है, ये देख सकते हैं, ये पाथ है, यहाँ पर जाकर के ये सारी चीजें जो भी डेटा है हमारा सारा डेटा यहीं पे जाके सेव होता है। अब हमको यहाँ पर कंपनी का नाम देना है, तो जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई कंपनी .com, इसी नाम से मैं कंपनी बना लेता हूं। और यहां पर एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। कंपनी आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, जिस नाम से बनाना चाहें। एंटर करिए, एंटर करिए। यहां पर स्टेट आएगा, कई बार आप स्टेट छोड़ देते हैं तो स्टेट मत छोड़िएगा, नहीं तो जीएसटी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ये पिन कोड वगैरह डाल करके फिर एंटर करते हुए फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये विंडो खुल करके आती है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसमें बहुत सारी चीजें टैक्सेस वगैरह अगर आप इनेबल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जीएसटी इनेबल करना है, तो यहाँ पर जाकर के यस करिएगा और एंटर करिएगा। और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आता है और फिर यहाँ पे रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर ही रखना है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो उसी केस में आप कंपोजिशन रखिएगा। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप हर 3 महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं, ठीक है। एससी ऑफ द अदर टेरिटरी, इसको नो रखना है। और यहाँ पर आपकी जीएसटी जो जब से एप्लीकेबल होता है उसकी डेट आती है, और यहाँ पर आता है आपका जीएसटी आईएन नंबर। तो एक जीएसटी आईएन नंबर मैंने डाल दिया है, देखो एक जीएसटी आईएन डाल दिया है हमने। और यहाँ पे मंथली ही जीएसटी हम फाइल करेंगे, ठीक है। और एंटर करके आगे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी की डिटेल को अल्टर करना होता है, यहाँ पे अल्टर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप टैक्सेबल रख लीजिएगा, आपका जो भी नेचर हो प्रोडक्ट का उस हिसाब से काम करिएगा। कभी कभी एग्जेम्प्टेड भी हो जाता है, नेलरेटेड भी हो जाता है, तो जिस अकॉर्डिंग आपका है उसी अकॉर्डिंग रखिएगा। तो फिलहाल मैं टैक्सेबल कर लेता हूँ, यहाँ बाय डिफॉल्ट 12% का जीएसटी भी लगा देता हूँ, ठीक है। और एंटर करके आता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है टीसीएस हमें लगाना नहीं है, यहाँ पर ब्राउजर रिपोर्ट्स ओपन नहीं करने हैं, यहाँ पर पेरोल की कोई बात ही नहीं करनी है, तो एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारी कंपनी बन करके तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि उधार की परचेजिंग क्या होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसा आप कैश में दे देते हैं और कुछ पैसा उधार रह जाता है। अगर कोई परिचित दुकानदार हो तो ऐसे कंडीशन में कुछ पैसा आप दे देते हैं और कुछ पैसा आपका उधार रह जाता है। तो ऐसे में इस वाले जो ये जो तरीका बता रहा हूं, ऐसी एंट्री कैसे पास करी जाए टैली प्राइम के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बी बटन प्रेस करके आना है और रिसिप्ट वाउचर में आना है। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको F6 प्रेस करना है, और F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट शो हो रहा होगा, यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर बनाइएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपको क्रेडिट यानी सीआर करना है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट रख करके एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया, आप कितना कैपिटल आप अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देख लीजिए, और कैश में कर रहे हैं या बैंक से वो देख लीजिए। मैंने फिलहाल बैंक ही दिया हुआ है और इसे एक्सेप्ट करा लिया है। अब क्या करना है, अब हमें परचेज वाउचर में जाना है, और ये आ गए परचेज वाउचर में। जैसे ही परचेज वाउचर में आते हैं तो अब यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको डालना है सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, ये डाल दिया, एंटर किया। और अब यहाँ पर आ रहा है कैश, ठीक है। तो कैश के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक लेजर भी क्रिएट करना है, क्योंकि हम उधार की परचेजिंग करेंगे। तो जब भी पार्टी का नाम आएगा तो इसका मतलब कि आप उधार की परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेल्स वाउचर में है तो सेलिंग कर रहे हैं, परचेज वाउचर में है तो परचेजिंग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक जो लेजर है उसे मैं इंसर्ट करता हूँ, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लोकेश होलसेलर, ठीक है। तो ये लिख दिया लोकेश होलसेलर, और एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये एक सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप ही चूज कीजिएगा। बाकी सारी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए नीचे आइएगा, और यहाँ पर इनका जो भी जीएसटी आईएन वगैरह है वो डालते हुए एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बाकी इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कराते चलिएगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आता है कि यहाँ पर हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया, तो यहाँ पे अल्ट सी करके और यहाँ पे परचेज का लेजर बनाइएगा। तो यहाँ दे दिया हमने परचेज अकाउंट, तो ये हो गया परचेज का लेजर। ये किस में जाएगा, तो अंडर ये जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से परचेज अकाउंट करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा।
और एक्सेप्ट कराने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, अल्ट सी करके स्टॉक आइटम बनाने हैं, क्योंकि स्टॉक आइटम हमारे पास है नहीं, तो यहां पे बना लेते हैं स्टॉक आइटम। तो मैं दो तीन स्टॉक आइटम यहां पे ले रहा हूं, जैसे यहां पर यूएसबी केबल ले रहा हूं, यूएसबी केबल, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। यहां पर क्या करेंगे, यूनिट बनाएंगे, तो यूनिट में यूएसबी केबल 1 2 3 4 अमाउंट में बिकेगा, इसीलिए मैंने यहां पे एनओएस सिंबल दे दिया है, और यहां फॉर्मल नेम इसका दे रहा हूं नंबर्स, तो ये नंबर्स दे दिया, और यहां पे यूक्यूसी कोड आता है, तो यूक्यूसी कोड आप यहां से डाल सकते हैं, और यहां पर 0 रख करके एंटर करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर, ठीक है। और यहां पे यूएसबी केबल कितनी परचेस करी जा रही है, तो 10 परचेस करी जा रही है, और एक की खरीद रेट पड़ रही है 50, तो ये इस तरीके से डाल दिया। इसी तरीके से दूसरा जो स्टॉक आइटम है हमारा, वो डाल देते हैं यहां पे चार्जर करते हैं, चार्जर एंटर किया, एंटर किया, और चार्जर भी बिकेगा तो नंबर्स में ही बिकेगा, तो यहां नंबर्स करके, अगर आप अलग से जीएसटी देना चाहते हैं तो यहां पे यस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा, एंटर करके, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। 10 चार्जर की भी बात कर लेते हैं, एक चार्जर जो है खरीद रेट ₹230, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब नीचे आएगा जीएसटी, तो जीएसटी के लिए अल्ट सी करके जीएसटी के लेजर्स बनाने होंगे, तो सेम स्टेट का मामला था आपको याद ही होगा, तो सी जीएसटी का एक लेजर बनाएंगे, जब भी सेम स्टेट का मामला होगा तो सी जीएसटी एस जीएसटी का लेजर बनता है, तो ये सी जीएसटी किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखा, यहां जीएसटी करेंगे, सेंट्रल टैक्स करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए ₹168 सी जीएसटी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, आप फिर एस जीएसटी करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पे जीएसटी रख के, और फिर यहां पे स्टेट टैक्स करके एंटर करके, और नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये ₹168 जो है जीएसटी यहां कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर क्या करना है, यहां पे दे देना है द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद क्या करना है, जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो अब हमें इसका पेमेंट करना होगा, तो यहीं पे सवाल उठता है कि कैसे करें, तो F5 करिएगा। अब मान लीजिए आपके पास जितना बिल है, अब कितने का बिल है वो कैसे पता चलेगा, तो पेमेंट वाउचर में भी आप पता कर सकते हैं। यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेके आइए, ऊपर देखिए आपको पेमेंट में डेबिट दिखाई दे रहा होगा, DR लिखा होगा, तो यहां पे इसका लेजर लेके आइए, ₹3,136 टोटल हुए हैं, तो लेकिन आपके पास 2,000 है, तो देखिए कुछ पैसा आपने दे दिया। अब यहां पे कर्सर अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस पे आ जाता है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये पैसा आपने कैश में दे दिया तो ये कैश हो गया, आपने 2,000 दिया, बाकी का ₹1,136 करंट बैलेंस इसमें दिखा रहा है, यानी इनका बकाया है, ठीक है, तो यहां पे 2000 पेड PAID टू मिस्टर लोकेश, ये हमने दे दिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये पेमेंट हो गया। अब जब भी आप जो है अदर टाइम पेमेंट के लिए जाएंगे इस सेम पार्टी को, तो जितना बकाया है वो नीचे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ₹1,136 इनका बकाया है, तो ये हो गया कुछ पैसा उधार का और कुछ पैसा कैश में आपने दे दिया। ये एंट्री अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।